कम एज का बंदा अगर आपको म्यूजिक का बच ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है, मैं आप चारों से जाना चाहूँगा एज ए यंगस्टर एज एन आर्टिस्ट, क्या लगता है आज की डेट में रियलिटी शो कितना रियल है, कितना उनको दिखाया जा रहा है? मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मैं 6 साल से MTV के साथ हूँ। रियलिटी शोज मीन्स रियल। मैं खुद लास्ट ईयर भी रोडीज़ के सेट पे था, पूरी जर्नी मैंने साथ में बिताई, मैंने सब कुछ देखा बिकॉज वहाँ पे भी गौतम भाई की प्रिंस भाई की जो लड़ाई हुई थी लोग बोलते थे फेक है, क्योंकि हमने देखा वो चार चार तीन तीन घंटे वो लड़ाइयाँ चलती थी, सेट बंद हो जाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेक है, सब कुछ जितना रियलिटी शोज़ के अंदर होता है वो रियल होता है। कंटेस्टेंट्स को आप एक ऐसी जगह एक ऐसे एटमोसफेयर में जब छोड़ दोगे कि जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना फ़ोन मिल रहा है, ना अपने दोस्तों से बात कर रहे, ना वो मतलब उनको जो डाइट है वो नहीं मिल रही, तो वो फर्स्टेड हो जाते हैं, तो उस गुस्से के अंदर किसी को मार देते हैं, चीज़ें कर देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, MTV रोडीज़ MTV स्क्रिप्ट्स मिला, इवन अभी मैं बिग बॉस की लाइक टीम से भी जुड़ा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फेक होता है, पूरा का पूरा जेन्युइन होता है। पिछले साल भी मैं सेट पे था और इस साल भी होने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ फेक होता है, सब कुछ रियल होता है। दिग्विजय के बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी जो पार्टनर? सर वो गेम का पार्ट होता है, मैं ऐसा नहीं मानता कि गलत हुआ है। नहीं, ऐसे सोशल मीडिया में उनके बारे में कहा जा रहा है वो उसका मतलब इतना वो हो चुका है कि भाई क्रेज हो रखा है कि गलत हुआ, बट उसके साथ वाली पार्टनर भी थी तो उसका मतलब उसका पर्सपेक्टिव भी सही था। अब ना उसका उसको शो के बाद आगे लेके जा सकता था, ठीक है, और वो एक पावर कपल थे, जैसे कि शो के अंदर मेंशन कर रहा था कि पावर कपल का मतलब है कि पावर डिसीजन लेना, उसने अपना पावर डिसीजन लिया, तो लोग पता नहीं क्यों उसको इतना गलत मान रहे हैं कि उसने गलत किया। मैं नहीं मानता कि उसने गलत किया, उसने जो किया अपने दिमाग से किया। सोशल मीडिया में काफ़ी बड़ी ट्रोलिंग हो रही कशिश के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट भी फाइल किए, उनको गाली गलौज रेप थ्रेट्स दिए जा रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ गेम का ही पार्ट होता है, एटलीस्ट कुछ चर्चा हो रही है ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कम से कम उसकी चर्चा हो रही है, वो होनी चाहिए, मेन वो चीज़ है। लोग आते हैं चले जाते हैं पता नहीं लगता, वो चीज़ अगर उसके बारे में हो रही हो आज से 2 महीने बाद 4 महीने बाद उसको बेनिफिट मिल जाएगा। आज ट्रोल हो रही है, 2 महीने 4 महीने बाद में आप ही उनको बोलोगे कि मैडम आप बहुत अच्छा करते हैं, 2 महीने बाद आप इंटरव्यू लोगे। हाँ, आपको क्या लगता है उसको लेके, मतलब यही जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ट्रोलिंग हो रही है कशिश की, उन्होंने खुद ही कंप्लेंट फाइल की है साइबर पुलिस में, आप कैसे देखते हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं तो कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, तभी हो रही हैं तो वो चलती रहेंगी। सही है, अपने में मस्त है वो सब, हर किसी का देखो कॉन्ट्रोवर्सी अलग होता है ना, कोई कुछ सोचता है दूसरा कुछ सोचता है, कोई दो इंसान एक जैसा नहीं सोच सकते, कॉन्ट्रोवर्सी चलनी चाहिए चाहे सही चले, थोड़ा हमारे लिए भी एंटरटेनिंग रहता है, आपके पास भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं पूछने के, अगर शो पूरा फ्लैट चला जाता आप ये चीज़ें पूछते नहीं, मज़ा ही नहीं आता, कुछ तो मसाला चाहिए ना, मिर्च मसाला कुछ तो चाहिए तभी तो मजा आएगा। राइट, एक कप लव है, लव 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 स्कूल, लव स्कूल टाइप का शो है, एक हाथ एंगल जो चलाता है, हाँ, तो उसमें एक पावर कपल था दिग्विजय और कशिश का, तो उसने अपना डिसीजन लिया, उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर दिग्विजय का लव उसके साथ जो उनका उन्नति के साथ होती, अगर वो ऐसा करती तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते थे, बट ये पावर कपल था उसका अपने डिसीजन, वो 4 दिन पहले उससे मिली है, वो अपना डिसीजन तो लेगी ना भाई, और सब का अपना डिसीजन, और शो खत्म होने के पे है, वो उसको लेना था, अच्छा किया उसने, मेरे हिसाब से सही किया, मैं होता तो मैं भी यही करता। 10 लाख रुपए लगी यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।